सन 1995 में पेशे से एक साइंस फिक्शन और मिस्ट्री राइटर हेफोर्ड पियर्स एक तहितियन कैफे में बैठे थे। उस समय वे 53 साल के थे। पियर्स ने एक लीगल पैड और पेन निकाला और अपने स्टॉक इन्वेस्टमेंट की एक लिस्ट बनाई। उन्होंने स्टॉक्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया। लगभग एक दर्जन स्टॉक्स उनके पोर्टफोलियो में ऐसे थे जिनकी डिविडेंड यील्ड हाई थी, यानी कि ये ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स थे जो काफी हाई डिविडेंड देते थे, लेकिन साथ ही ये स्लो ग्रोइंग स्टॉक्स थे जैसे कि यूटिलिटी स्टॉक्स और हाई यील्ड बॉन्ड्स। स्टॉक्स का दूसरा ग्रुप जिनमें कुल 7 स्टॉक्स थे, ये भी सिमिलर कैटेगरी में थे, लेकिन कंपेरेटिवली ये कंपनियां हाई ग्रोथ वाली थी और साथ ही ये लंबे समय से अच्छा डिविडेंड भी देती आ रही थी। ये सभी पॉपुलर ब्लू चिप स्टॉक्स थे जैसे कि कोका कोला, जनरल इलेक्ट्रिक, जॉनसन एंड जॉनसन, केलॉग, मर्क, फाइजर और फिलिप मॉरिस। फिलिप मॉरिस पियर्स की अब तक की सबसे बड़ी होल्डिंग थी। अपने इन स्टॉक्स के पोर्टफोलियो से पियर्स को उम्मीद थी कि वो 1995 में $14,000 का डिविडेंड इनसे ले पाएंगे, जो कि सही था क्योंकि एक्चुअल पेआउट $14,200 का उनको उस साल मिला था और ये उस समय की उनकी टोटल इनकम का 13% था। देन पियर्स ने एक 30 साल का प्लान बनाया। उन्होंने एस्टिमेट लगाया कि अगले 30 सालों के लिए अगर उनको अपने इन हाई ग्रोथ स्टॉक्स के पोर्टफोलियो से हर साल 10% की डिविडेंड ग्रोथ मिलती रही तो वो एक डिविडेंड मिलियनेयर बन जाएंगे। खैर ऐसा तो नहीं हुआ, उनको 10% की डिविडेंड ग्रोथ तो नहीं मिली, बट 8.54% की डिविडेंड ग्रोथ देने में उनका पोर्टफोलियो कैपेबल रहा, जो उनके एस्टिमेट से थोड़ा कम तो जरूर था, लेकिन ये इनफ था उनको डिविडेंड मिलियनेयर बनाने के लिए। कुल मिलाकर 1995 से 2017 तक पियर्स के डिविडेंड ने अकेले उनको $11,48,000 बना के दिए, यानी कि सालाना उनको लगभग $50,000 का डिविडेंड पेआउट मिलता रहा, जो कि आज के समय में इंडियन करेंसी में लगभग 41 लाख सालाना का पेआउट बनता है। दोस्तों ये स्टोरी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ बिकॉज पियर्स ने एक बड़ी ही हम्बल स्टार्ट करी थी। वो भी हमारी और आपकी तरह ही एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते थे, येट वो डिविडेंड की हेल्प से रिटायर हुए, विच मीन्स इट इज पॉसिबल कि हम भी डिविडेंड की सहायता से फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। सो आगे मैं आपको सही से डिविडेंड इन्वेस्टिंग कैसे करनी है यही सिखाऊंगा चार्ल्स बी कार्लसन की बुक अ लिटिल बुक ऑफ बिग डिविडेंड्स की सहायता से। लेकिन उससे पहले जो लोग नहीं जानते कि डिविडेंड आखिर होता क्या है, तो उनको मैं बता दूं कि जब एक कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो उस प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स के बीच बांट सकती है और इसे ही डिविडेंड पेआउट कहते हैं। यूजुअली कंपनीज ईयरली बेसिस पे डिविडेंड पेआउट करती हैं। वैसे डिविडेंड देना कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं होता, कंपनी की मर्जी होती है, वो देना चाहे तो दे और ना देना चाहे तो ना दे। बट यूजुअली कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाने वाली कंपनीज डिविडेंड दे ही देती हैं। हाउएवर डिविडेंड इन्वेस्टिंग में कितनी पावर है आप इस एग्जांपल से एस्टिमेट लगा सकते हैं कि अगर किसी ने एशियन पेंट्स कंपनी में सन 2000 में 4 लाख रुपए निवेश किए होते तो आज उसको 6,03,400 रुपए का सालाना डिविडेंड ही मिल रहा होता, जो कि इन्वेस्टेड मनी से भी ज्यादा है। साथ ही इस कंपनी के शेयर प्राइस ने उसे करोड़पति तो बना ही दिया होता। नाउ आप कैसे डिविडेंड इन्वेस्टिंग कर सकते हैं और अपने लिए कैसे गुड स्टॉक्स फाइंड कर सकते हैं जो अच्छी ग्रोथ भी दिखाएं और कंसिस्टेंट डिविडेंड भी दें, जानेंगे मजेदार एग्जांपल्स की मदद से। So, let's begin. Well, सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी कि फर्स्ट डे से ही आप डिविडेंड से एक अच्छा अमाउंट कमाना शुरू नहीं कर देंगे, बिकॉज डिविडेंड से अच्छा अमाउंट कमाने के लिए आपको एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ शेयर्स किसी कंपनी के खरीदने होंगे, जो कि फर्स्ट डे से ही एक छोटे रिटेल इन्वेस्टर के लिए पॉसिबल नहीं होता। बट एज कंपनी ग्रोज तो कंपनी अपनी इस जर्नी में शेयर स्प्लिट और बोनस शेयर भी इशू करती रहती है, जिससे आपके नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होते हैं एंड हेंस डिविडेंड पेमेंट भी इंक्रीज होती है। लिटिल कंफ्यूजिंग राइट? तो एक सिंपल एग्जांपल की सहायता से इसे समझते हैं। लेट्स से एक कंपनी है कंपनी वाई, और ये कंपनी वाई के आपने 1,000 शेयर्स खरीदे हैं एट अ प्राइस बैंड ऑफ 1,000 रुपीज, यानी कि आपने कंपनी वाई में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। नाउ लेट्स आल्सो अज्यूम कि इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड है 4%, तो एज अ रिजल्ट कंपनी वाई से आपको एक साल में 10 लाख का 4% यानी 40,000 का डिविडेंड पेआउट मिलेगा। मंथली 3,500 के करीब ये अमाउंट आता है, जो कि क्लियरली काफी कम है। लेकिन अब मान लो कि आप कंपनी वाई को कुछ सालों के लिए होल्ड करके रखते हो और कंपनी इस दौरान ग्रो हो जाती है, लेस से 10x से ग्रो हो जाती है, जिस कारण आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी 10x हो जाती है, यानी 10 लाख से 1 करोड़ हो जाती है। तो उस सेम ईयर अब आपको 1 करोड़ का 4% यानी 4 लाख रुपए का डिविडेंड मिलेगा, इफ कंपनी सेम 4% का डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो। मोटा मोटा दोस्तों डिविडेंड इन्वेस्टिंग ऐसे वर्क करती है। होप आपको यहां तक क्लियर हुआ है। अगर आपको यहां तक वीडियो इजीली समझ आ रही है तो वीडियो को अभी एक लाइक करिए। ऑल्सो अगर आपने अभी तक भी एक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो सबसे पहले जल्दी से एक डीमैट अकाउंट खुलवाइए, बिकॉज चाहे डिविडेंड इन्वेस्टिंग करनी हो या कोई और तरह की इन्वेस्टिंग, डीमैट अकाउंट तो आपको चाहिए ही। इसलिए डिस्क्रिप्शन को चेक करिए, मैंने कुछ अच्छे रिलायबल और फ्री डीमैट अकाउंट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जाइए और अभी पहले एक डीमैट अकाउंट खुलवाइए।
नेक्स्ट अभी बारी है कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग के लिए एक अच्छी कंपनी कैसे सिलेक्ट करें। दोस्तों अपनी स्क्रीन पे देखो, दो कंपनीज हैं। एक कंपनी है विद डिविडेंड यील्ड ऑफ 10% और एक है विद 4%। तो अब मुझे बताओ कि इनमें से कौन सी कंपनी में आप निवेश करना चाहोगे। निसंदेह आप कंपनी विद हायर डिविडेंड यील्ड को ही पसंद करोगे, यानी 10% डिविडेंड यील्ड वाली कंपनी को ही आप पसंद करोगे। बट अगर मैं आपको बताऊं कि कंपनी जिसका डिविडेंड यील्ड 10% है, उसने लास्ट ईयर नेगेटिव 10% के रिटर्न्स दिए हैं, तो क्या आप अभी भी इस कंपनी के शेयर में इंटरेस्टेड रहोगे? नहीं, राइट? बिकॉज ऐसे में तो आप ब्रेक इवन तक ही पहुंच पाओगे। एक तरफ अगर आपको डिविडेंड से फायदा होगा तो दूसरी तरफ स्टॉक प्राइस का लॉस इसे बराबर कर देगा, यानी आप ब्रेक इवन पे रहोगे इस केस में। एंड दोस्तों मोस्ट ऑफ द हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के केस में ऐसा ही होता है, यानी कि या तो आप ब्रेक इवन पे रहते हो या लॉस में। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है टीवी टुडे नेटवर्क, इसकी डिविडेंड यील्ड देखो 36% की है, विच इज रियली सरप्राइजिंग, बिकॉज इतना तो कई अच्छे अच्छे शेयर्स का एनुअल रिटर्न तक नहीं होता। बट जब आप पिछले साल के इसी कंपनी के शेयर प्राइस रिटर्न्स को देखोगे तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी, बिकॉज नेगेटिव 30% के रिटर्न्स इस कंपनी ने डिलीवर किए हैं लास्ट ईयर, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज डिविडेंड पेआउट का मतलब होता है कि एक कंपनी अपने अर्न प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, यानी कि कंपनी ने जो एक साल में मुनाफा कमाया है उसे वो हिस्सेदारों में बांट रही है, जिसमें कोई बुराई नहीं है बिकॉज ऐसा सभी कंपनीज करती हैं। एंड ऑल्सो शेयर होल्डर्स ये डिजर्व भी करते हैं बिकॉज उन्होंने रिस्क लेके कंपनी की ग्रोथ में निवेश किया है। लेकिन परेशानी तब आती है जब कंपनी ज्यादा ही डिविडेंड देना चालू कर देती है। ये एक अलार्मिंग सिग्नल होता है, बिकॉज कंपनी अगर सारा प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स में बांट दे रही है तो कंपनी की रीग्रोथ के लिए तो उसके पास कुछ बचता ही नहीं है, विच मीन्स कंपनी में कुछ तो गड़बड़ है। जब कंपनी को खुद कंपनी की ग्रोथ की चिंता नहीं है तो फिर उसकी ग्रोथ होगी भी कैसे। इसीलिए ऑलवेज ऐसे शेयर्स में पैसा लगाएं जिनकी डिविडेंड यील्ड चाहे मॉडरेट हो बट ग्रोथ हाई हो। कंपनी की पी वैल्यू, प्रॉफिट ग्रोथ डेटा, आरओई डेटा, ये सब चेक करना भी जरूरी है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। नेक्स्ट क्राइटेरिया अच्छी डिविडेंड इन्वेस्टिंग के लिए ये है कि अपनी एक्स से दूरी बनाकर रखो। इस पॉइंट का मतलब है कि एक्स डेट से पहले या एक्स डेट के दौरान कभी भी शेयर्स में निवेश ना करें। लेकिन ये एक्स डेट आखिर होती क्या है? दोस्तों जब भी एक कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो कंपनी चार डेट्स डिक्लेयर करती है। नंबर वन, डिक्लेरेशन डेट, यानी जिस दिन कंपनी ने डिक्लेयर किया कि वो डिविडेंड देने वाली है। नंबर टू, एक्स डिविडेंड डेट, ये डेट सबसे इम्पोर्टेंट होती है बिकॉज इस डेट को अगर आप मिस कर देते हो तो आपको डिविडेंड रिसीव नहीं होता। ये वो डेट होती है जिससे पहले आपको कंपनी के शेयर्स खरीदने होते हैं, तभी आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो पाते हो। नंबर थ्री, रिकॉर्ड डेट, ये वो डेट है जब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स का हिसाब लगाती है कि उनके पास कंपनी के कितने शेयर्स हैं एटसेट्रा, ताकि कंपनी उस बेसिस पे फिर डिविडेंड दे सके। नंबर फोर, पेमेंट डेट, ये वो डेट है जिस डेट पे आपको डिविडेंड रिसीव होगा। एक्स से दूर रहने के लिए ऑथर चार्ट्स इसलिए कहते हैं बिकॉज जैसे ही कंपनी एक्स डिविडेंड डेट डिक्लेयर करती है तो काफी सारे इन्वेस्टर्स इस इंटेंशन के साथ कंपनी में निवेश करने लग जाते हैं कि वो एक्स डिविडेंड डेट से पहले शेयर्स खरीदेंगे और एक्स डिविडेंड डेट खत्म होने के बाद शेयर सेल कर देंगे और डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और ऐसे बस उनको डिविडेंड रिसीव हो जाएगा। विच इज ट्रू, डिविडेंड तो उनको रिसीव हो जाएगा, लेकिन ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है बिकॉज जैसे आप उसमें निवेश करके निकलने का सोच रहे होंगे वैसे ही सभी इन्वेस्टर भी सोच रहे होंगे, और जब ऐसा होता है तो एक्स डिविडेंड डेट से पहले शेयर प्राइस कंपनी का एकदम से चढ़ जाता है और एक्स डिविडेंड डेट के तुरंत बाद गिर भी जाता है। और इन मोस्ट ऑफ द केसेस जितना आपको डिविडेंड रिसीव होना होता है शेयर प्राइस भी उसी हिसाब से नीचे चला जाता है, तो या तो आप ब्रेक इवन पे निकल जाते हो या फिर लॉस में। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक कंपनी ने डिक्लेयर किया है कि 10 नवंबर को उनकी एक्स डिविडेंड डेट है और उनकी कंपनी डिविडेंड यील्ड दे रही है 5% की, तो ये न्यूज सुनके अर्जुन जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर है बहुत खुश हो जाता है कि यार ये तो बढ़िया है, इससे तो मैं 2-3 दिन में ही 5% का रिटर्न जनरेट कर सकता हूँ, जबकि सेविंग अकाउंट में पूरा साल पैसा रखने पे भी इतना इंटरेस्ट नहीं मिलता। मैं ऐसा करता हूँ, मेरे पास जो 2,00,000 रुपए हैं मैं उनको इस कंपनी में इसकी एक्स डिविडेंड डेट से पहले इन्वेस्ट कर देता हूँ, यानी 10 नवंबर से पहले, और जैसे ही एक्स डिविडेंड डेट ओवर होगी यानी 10 तारीख आएगी तो मैं शेयर सेल कर दूंगा। 2-3 दिन में ही मुझे 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, और क्या चाहिए मुझे, इससे चिट भी मेरी होगी और पट भी मेरा। लेकिन अर्जुन को अभी स्टॉक मार्केट का खेल पूरी तरह से पता नहीं था। उसने 2,00,000 रुपए निवेश किए एक्स डिविडेंड डेट से पहले, और जैसे ही एक्स डिविडेंड डेट ओवर हुई तो शेयर प्राइस 5-6% प्लंज हो गया। अब अर्जुन को पता नहीं चला कि ये क्या हुआ। उसने घबरा के तभी सारे शेयर्स उस कंपनी के सेल कर दिए और उसे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। अब दोस्तों इसका मतलब ये नहीं था कि वो कंपनी खराब थी, लेकिन एक्स डिविडेंड डेट से पहले डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करने पे ऐसा ही होता है, क्योंकि इतना ही आसान होता तो फिर तो सभी यही कर करके स्टॉक मार्केट से लाखों कमा रहे होते। इसलिए अपने टाइम और एनर्जी को सेव करो और एक्स से दूरी बना के रखो, बिकॉज एक्स से आपको हमेशा दुख ही मिलेगा। सो दोस्तों यही कुछ था आज की इस खास वीडियो में।
हमने आज के स्पेशल एपिसोड में सीखा डिविडेंड इन्वेस्टिंग क्या होती है, आपको कैसे राइट शेयर्स चूज करने हैं डिविडेंड इन्वेस्टिंग के लिए, साथ ही डिक्लेरेशन डेट, एक्स डिविडेंड डेट, रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी हमने आज सीखा। सो आपको ये सब इजीली समझ में आया या नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और वीडियोस को हमेशा देखते रहने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।